कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इफ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी द कंटिन्यूस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी, सेकंड एफ डैश ऑफ एक्स एंड जी डैश ऑफ एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी, थर्ड जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू सी इन ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए. ये क्या होता है फॉर्मुला होता है. ओके लिहून घेतलं तुम्ही हे ऑलरेडी लिखा क्या. हॅलो हाय सर. एग्जाम्पल सर क्वेश्चन क्या, वेरीफाई कॉची मीन वैल्यू थ्योरम कॉची मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस and find c value of c. Example first log of x and 1 upon x. Log x and 1 upon x in closed interval 1 comma e. काय करणार कन्सिडर. लेट एक्झाम्पल एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. कॉची मीन व्हॅल्यू थेरम मीन्स काय असणार आहे, एफ डॅश ऑफ एक्स अपॉन जी डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ बी मायनस एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी मायनस जी ऑफ ए. आपल्या एवढ्या वाटत एक ऑल व्हॅल्यूज फाइंड करायचे. ओके टू फाइंड द ऑल व्हॅल्यूज ऑफ एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए जी ऑफ बी अँड जी ऑफ ए अँड ऑल्सो सॅटिस्फाय द कंडिशन एफ ऑफ एक्स अँड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्युअस इन द क्लोज इंटरवल 1 ई अँड एफ डॅश ऑफ एक्स अँड जी डॅश ऑफ एक्स इज एक्झिस्ट इन ओपन इंटरवल ए बी म्हणजे 1 ई. एफ ऑफ एक्स अँड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स. कोणत्या कोणत्या व्हॅल्यूज तिथे फाइंड करा. एफ डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अँड जी डॅश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव्ह ऑफ 1 अपॉन एक्स बरोबर आहे का मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. जी डॅश ऑफ एक्स इज मायनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेअर. नेक्स्ट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू काय असणार आहे, एफ ऑफ बी म्हणजे काय असणार सेकंड व्हॅल्यू ई. पुट करा लॉग इज इक्वल टू काय असणार आहे 1. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए लॉग एक्स. एक्स ठिकाण काय करा ई पुट करा या पे पुट एक्स इज इक्वल टू इन इन दिस इक्वेशन गिवन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स. लॉग ऑफ एक्स पुट इन्स्टेड ऑफ एक्स इज ई देअरफॉर देर द फॉर्म्युला ऑफ लॉग ई इज इक्वल टू काय असतं 1 बिकॉज लॉग मीन्स काय लॉग एज इट इज ई मीन्स काय असतं अँटी लॉग. लॉग अँटी लॉग विल गेट कॅन्सल द फायनल आन्सर इज 1. नेक्स्ट एफ ऑफ a is equal to f of 1 is equal to log 1. log 1 ची व्हॅल्यू काय असते व्हॅल्यू ऑफ log 1 0. ओके नेक्स्ट g of b. g of b is equal to e raised to minus 1. g of e is equal to 1 upon e.
इथे पुट करा. नेक्स्ट g ऑफ a इज इक्वल टू g ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 ची व्हॅल्यू काय असणार आहे 1. ओके ऑल व्हॅल्यू काय होतात एक्झिस्ट होतात देअरफॉर f ऑफ x एंड g ऑफ x इज ला देअरफॉर कंडिशन फर्स्ट f ऑफ x एंड g ऑफ x बी कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल 1, e. सेकंड सिंपल सिंपल काय बघा when f of x and g of x be continuous if we find put the values of 1 and e in given functions we get the value okay but value in the form of real value only okay real value it is a real value to asel except ka asel infinity asel kiwa root madhe -4 vagere apan hi value find karu shakat nahi imaginary numbers this is the imaginary numbers and infinity we can't calculate infinity अनडिफाइंड व्हॅल्यू आहे ना आपण काय सांगू शकत नाही किती व्हॅल्यू म्हणजे हे जर सोडून जर बाकी व्हॅल्यू असेल तर हे काय असणार आहे ऑलवेज कंटिन्युअस आता तुम्ही इथं पुट केलं तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू मिळते ना इन्फिनिटी आणि इमेजिनरी नंबर सोडून कोणती तरी व्हॅल्यू मिळते म्हणून ते फंक्शन काय असतं कंटिन्युअस सिंपल आहे क्या करना है हमें यहाँ पे देखो ए जो व्हॅल्यू आहे ना 1 एंड ई अगर आप फंक्शन में पुट करोगे आपको कोई तो व्हॅल्यू मिल रही है एक्सेप्ट कौन से एक्सेप्ट इन्फिनिटी और इमेजिनरी नंबर्स इमेजिनरी नंबर म्हणजे आय इज इक्वल टू रूट मध्ये -1 स्क्वेयर रूट ऑफ -1 अब इसकी वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते ना यही रहेगा मतलब स्क्वेयर रूट ऑफ -4 से स्क्वेयर रूट ऑफ -16 इस टाइप के आए तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है सिंपल लॉजिक के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं आप डायरेक्ट लिख सकते हो f ऑफ x एंड g ऑफ x बी कंटिन्यूस इन ओपन क्लोज इंटरवल 1, e. नेक्स्ट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल एक लक्षात ठेवायचं आहे कधी पण लक्षात ठेवा एव्हरी कंटिन्युअस फंक्शन इज अ डिफरन्शिएबल प्रत्येक कंटिन्युअस फंक्शन इज डिफरन्शिएबल असतं देअरफॉर एफ डॅश ऑफ एक्स अँड जी डॅश ऑफ एक्स एक्झिस्ट एफ डॅश ऑफ एक्स अँड जी डॅश ऑफ एक्स एक्झिस्ट इन ओपन इंटरवल 1, e. थर्ड कंडिशन राइट ऑन थर्ड कंडिशन जी डैश ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू जीरो ये नगर था नॉट इक्वल टू जीरो आप यहाँ पे एक्स के आपने यहाँ पे पुट की वैल्यू कौन सी भी तो वो जीरो नहीं आना चाहिए जी डैश ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो देन देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू then there exists x is equal to c in open interval 1, e such that f dash of x upon g dash of x is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a kara put value x is equal to c put kara f of c upon g dash of c is equal to f dash of c upon g dash of c is equal to f of b value of f of b 1 f of a was 0 1 minus 0 upon g of b che value kata 1 upon e and this kaita 1 upon e minus 1 therefore f dash of x is equal to 1 upon x therefore f dash of c is equal to 1 upon c whole divided by g dash of c g dash hota hai check kara g dash yaha pe g dash hai x ki jagah pe c put kar do mein -1 upon x square -1 upon c square is equal to 1 upon e minus 1 आता यातलं हे सी आहे इवन व्हॅल्यू 1 अपॉन सी आहे यातलं हे सी ला हे सी काय होईल यातलं एक कॅन्सल होईल ओके देअरफॉर नका असं कॅन्सल करू नका काय म्हणजे प्रॉब्लेम येतो सिम्प्लिफिकेशन करून डायरेक्ट आता ओके 1 अपॉन सी अँड -1 अपॉन सी स्क्वेअर म्हणजे काय येणार देअरफॉर 1 अपॉन सी इंटू -1 अपॉन सी स्क्वेअर अपॉन 1 करने जब उल्टन को नगर होना ना इसका रिसिप्रोकल होगा
सी स्क्वायर अपॉन वन इज इक्वल टू वन अपॉन, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वन माइनस ई डिवाइडेड बाय ई, इसी को इसमें से एक सी कैंसिल हो जाएगा, देयर फोर माइनस सी इज इक्वल टू ए, ई क्या हो जाएगा ऊपर आएगा वन माइनस ई, देयर फोर सी इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट ई अपॉन वन माइनस ई, इसकी वैल्यू निकाल दो, देयर फोर सी इज इक्वल टू, वैल्यू बताओ मुझे क्या रहे हो, ई अपॉन वन माइनस ई, वन पॉइंट फाइव एट, वन पॉइंट फाइव एट, दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, एंड दिस इज लाइट्स बिटवीन का है वन आने ईच वाले का है टू पॉइंट समथिंग का है सेवेंटी एट का है आई थिंक है तो मिडिल लेते हो कर, देयरफॉर कॉची मीन वैल्यू थ्योरम सैटिस्फाइड, द वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू वन पॉइंट फिफ्टी एट. झालं लिहून नेक्स्ट इयर रूट ऑफ एक्स प्लस नाइन एंड रूट एक्स इन क्लोज इंटरवल जीरो कॉमा सिक्सटीन सॉल्व करा. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू f of x is equal to root of g x plus 9 and g of x is equal to root of x. Find karo the value f dash of x. Kya hai f dash of x? Derivative of root x ka hai to 1 upon 2 root x. Therefore, derivative of this function is 1 upon 2 times root of x plus 9. Into derivative of this function x plus 9, but derivative of x plus 9 is 1. Therefore, it is not needed to write here. Next, g dash of x is equal to root x, 1 upon 2 root x. This is a standard function directly. Next, f of b is equal to f of 16 is equal to square root of x is equal to 16. प्लस नाइन रूट ऑफ सिक्सटीन प्लस नाइन कहते हैं ट्वेंटी फाइव कहते हैं फाइव. एफ ऑफ बी इज इक्वल टू फाइव. एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो इज इक्वल पुट करा जीरो तो कहते हैं रूट नाइन. वैल्यू ऑफ रूट नाइन इज थ्री. नेक्स्ट जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ सिक्सटीन. G of 16 का आता है 4 एंड G of A इज इक्वल टू G of 0 इज इक्वल टू 0. रूट ऑफ 0 इज 0. सेम पर क्या है ना सेम. देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू C इन ओपन इंटरवल 0,16 सच दैट f dash of x upon g dash of x is equal to f of b minus f of a divided by g of b minus g of a.
करा जो आपूट f dash of c, f dash of c का आयते बगा, f dash of x 1 upon 2 root x plus c है, तो वो तेक्स्ट करने c पूट करा, therefore, 1 upon 2 times c plus 9, divided by 1 upon g dash of c, या g dash of x is equal to 1 upon 2 root x है, g dash of c का है ना, 1 upon 2 root मदे c, 2 times, is equal to f of b, value of f of b is 5 and f of a is 3, 5 minus 3, divided by g of b का है 4 minus 0, simplify कर जा, 1 upon 2, root मदे c plus 9, into the का denominator से वर्थ denominator लो जाल, root c upon 2 times root c upon kind of 1 is equal to 5 minus 3 kind of 2 divided by 4 2 to get cancelled, therefore root c upon root make kind of c plus 9 is equal to 1 upon 2 separate kind of divide like kind of multiply root c is equal to 1 upon 2 root make kind of c plus 9 squaring on both sides स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स के लिए कहते हो रूट कैंसिल स्क्वेयर के लिए मां 1 अपॉन 4 इनटू मुझे कहना c plus 9 therefore c is equal to 1 अपॉन 4 c plus 9 अपॉन 4 क्या सेपरेटली c minus 1 upon 4 c is equal to 9 by 4 cross multiplication kara therefore 3c upon 4 is equal to 9 upon 4 4 will cancel 3 therefore c is equal to 3 lies in open interval 0 comma 60 hence Cauchy mean value theorem are verified add chana kya e raised to x and e raised to minus x in open interval 0 comma kara solve okay f dash of x find x is equal to e raised to x derivative of e raised to minus x kya to derivative of e raised to minus x minus of e raised to minus x. Minus into e raised to minus x
कारण का e रेस्ट एक्स डिवाइड टू e रेस्ट एक्स e रेस्ट माइनस एक्स डिवाइड टू काय e रेस्ट टू माइनस एक्स एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन ते काय तो माइनस e डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स काय तो माइनस वन देयरफॉर माइनस e रेस्ट टू माइनस एक्स ओके नेक्स्ट एफ ऑफ बी इज इक्वल टू काय एफ ऑफ वन सेकंड वैल्यू e रेस्ट टू वन ची वैल्यू काय e कॉमा एफ डैश एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो ई रेस टू जीरो वैल्यू ऑफ ई रेस टू जीरो का वन वन नेक्स्ट जी ऑफ बी इज इक्वल टू जी ऑफ वन इज इक्वल टू पुट करा जी कुठे येत आहे जी जी ऑफ एक्स ई रेस टू माइनस एक्स म्हणजे ई रेस टू माइनस वन नेक्स्ट जी ऑफ a is equal to g of 0 is equal to g of 0 म्हणजे काय होणार e raised to minus 0 म्हणजे 0 0 e raised to 0 ची व्हॅल्यू काय असते अगेन 1 देन देअर एक्झिस्ट x is equal to c इन ओपन इंटरवल 0 comma 1 सच दॅट f dash of x upon g dash of x is equal to f of b minus f of a upon g of b minus g of a. Kara value put e raised to c upon minus e raised to minus c is equal to f of b e minus f of h value ga the 1 upon e raised to minus 1 minus 1 therefore simplify karte hain minus to e raised to c as it is okay into e raised to minus denominator mein okay to se upar laya to kya ho jayega o e raised to c ho jayega yahan pe e minus 1 upon yahan pe simplify karne ke liye aapko kya karna hoga isko divide mein leke jao e raised to minus 1 divide mein gaye to kya ho jayega 1 upon e raised to 1 minus 1 therefore minus e raised to 2c is equal to e minus 1 upon 1 minus e divided by e therefore minus e raised to 2c is equal to a u kya ho jayega upar jayega e minus 1 upon 1 minus e therefore minus e raised to 2c is equal to e in bracket और e माइनस वन यानी वन माइनस ई इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं e माइनस वन अपॉन इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो क्या जाएगा ए e माइनस वन हो जाएगा इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाल दो तो e माइनस वन हो जाएगा इस e माइनस को वन e यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा इस माइनस के लिए a माइनस कैंसिल हो जाएगा तो बचता है क्या e रेस टू टू सी इज इक्वल टू ई दो साइड से लॉग टिकिंग लॉग ई कैंसिल करना है तो लॉग लेना है सिंपल log taking log therefore log ko ye kya ho jayega khatam jayega 2c is equal to 1 therefore c is equal to 1 by 2 lies in open interval 0 comma 1 hence Cauchy mean value theorem verify va simulation kas kele the baka sir ja mag se page dakhva do ne झालं सर